ठीक है, पहले आपको आना है पावर ऑन करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने देखना है कितना टाइम चल रहा है। अगर टाइम आपका 00 है तो उसको आप कम से कम 30 मिनट तक लेके आओगे। 30 मिनट लाने के लिए ये जो ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, और पास में आ जाओ मोबाइल लेके, दिखाई दे रहा है ऑन लिखा हुआ है ना, पहले स्टीम को ऑफ करो। अच्छा, ऑफ करने के बाद ही टाइम टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, ऑफ कर दिया आपने, अब आपने जितना भी टाइम बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हो। अच्छा, ठीक है, कम से कम 30 मिनट रखना है। टाइम इसी से अलग अलग इसके बढ़ेंगे, एक से प्लस होता है, एक से माइनस होता है, एक से कम एक से ज्यादा। अच्छा, टेम्परेचर एक से कम एक से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब आपका टाइम जो है 35 मिनट के आसपास हो जाए या 30 मिनट हो जाए या 20 मिनट हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप बीच वाली बटन, ये स्टीम का है, स्टीम को ऑन कर दो। अच्छा, यहाँ पे लाइट जल गया मतलब आपका स्टीम चालू है। चालू, स्टीम ऑन करने के बाद सुबह 4 मिनट के बाद स्टीम आना चालू होता है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद ये देखिए, ये है लाइट का बटन, इसको आपने ऑन कर दिया तो अंदर का जो लाइट है वो जल जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है, ठीक है ना, और कुछ पूछना हो तो आप फोन से पूछ सकते हो जी। जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ पे शो करता करता, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे 30 मिनट आपने सेट किया है, 30 मिनट पूरा हो जाएगा तो स्टीम बंद हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा, पर बटन से नहीं करना है? नहीं, आपने जैसे 30 मिनट किया है, आप 15 मिनट में ही बाहर निकल सकते हो, स्टीम बंद नहीं होगा, लेकिन 30 मिनट सेट किया है, 30 मिनट जैसे ही पूरा होगा या 20 मिनट, अगर यहाँ से पावर से बंद करेंगे तब भी नहीं होगा? अरे यहाँ से तो बंद ही होगा, लेकिन जब आप मशीन चालू है, अंदर बैठे हो, आप घड़ी लगा के मोबाइल लेके तो जाओगे नहीं, ऐसे अगर आप गए हो तो जब जैसे 20 मिनट आपने सेट किया तो 20 मिनट बाद मशीन आपका बंद हो जाएगा, स्टीम आना नहीं। और जैसे जैसे मैंने 20 मिनट मशीन को उसमें टाइम में अंदर चला गया, हाँ, और मैं 10 मिनट बाद ही निकल निकल आया, बंद कर दो तो मशीन यहाँ से बंद कर सकते हैं ना, पावर से बंद करना है या स्टीम को? कहीं से भी बंद कर सकते हो, यहाँ से देखो मैं कर दिया बंद, थोड़ा यहाँ सिलिकॉन लगा दो, इंदल इंदल कुछ सिलाओ, छोड़ो।